हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरु। तो इस चैनल में आपको यूजीसी नेट प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। जेके सेट पेपर आने वाला है, पोस्टपोन हो गया था, पहले मई में था, अब जुलाई में है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस मिल जाएंगी। जेके एसएसवी असिस्टेंट पीटीआई का पेपर आने वाला है, उसके लिए वीडियोस मिल जाएंगी। MCQs है इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, PDF आपको मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी, तो आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। ये जो UGC नेट का अभी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम यूनिट वाइज कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चन हैं जो भी नेट में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज मोर इफेक्टिव फॉर फैसिलिटेटिंग स्किल परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए कौन सी फीडबैक दी जाती है? तो वो दी जाती है कोरेक्टिव फीडबैक, की जो भी स्किल है, ठीक है, हम कोई टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हम उसको करेक्ट करेंगे, उस टेक्निक को करेक्ट करेंगे, तो वो जो फीडबैक होती है वो कौन सी होती है? कोरेक्टिव फीडबैक। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following activity is not an open skill practice? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी ओपन स्किल एक्टिविटी या फिर प्रैक्टिस नहीं है? नॉट दिया हुआ है कि कौन सी नहीं है। तो जो वॉलीबॉल स्पाइक है ये ओपन स्किल प्रैक्टिस है, वॉलीबॉल स्पाइक। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल, कैचिंग अ थ्रो बॉल, टेनिस ग्राउंड स्ट्रोक्स। तो ये सारी जो है ये कौन सी है? ओपन स्किल। किसको छोड़ के? फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल, क्योंकि फ्री थ्रो कौन सी होती है, हमें पता होता है कि हमें कौन सी टेक्निक करनी है, कौन सी मूवमेंट करनी है, किसको हमने बॉल पास करनी। बाकी जो ओपन स्किल होती हैं उसमें हमें टेक्निक का पता नहीं होता है, क्या सिचुएशन आ जाएगी, जो जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो अपना स्टेप है, अपनी टेक्निक है, वो हम परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट क्लोज्ड में हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ करनी है। अब इसका जो आंसर है वो है सेकंड, ठीक है, कि फ्री थ्रो, क्योंकि हमें पता है हमें किसको थ्रो करना है। अब इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो, स्किल है, दो स्किल आती है, ओपन स्किल और क्लोज स्किल। एन ओपन स्किल इज वन दैट इज अफेक्टेड बाय द स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट। ये किससे अफेक्ट करती है? स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट से। मैंने आपको बताया ओपन स्किल में क्या होता है, हम एनवायरनमेंट या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो डिसीजन है वो लेते हैं या फिर जो भी टेक्निक है वो परफॉर्म करते हैं। द परफॉर्मर हैज टू मेक डिसीजन, उसको डिसीजन बनाना होता है इन रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग, किसके रिलेशन में, किसके रिस्पॉन्स में, सराउंडिंग्स के रिस्पॉन्स में। बट क्लोज्ड स्किल में क्या होता है? अ क्लोज्ड स्किल इन्वॉल्व्स लेस डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग बिल्कुल कम होता है, बिकॉज इट हैज अ प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, हमें पता होता है कि क्या होना है, हम पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। द परफॉर्मर कैन टेक देयर टाइम, जो परफॉर्मर है या फिर प्लेयर है वो अपना टाइम लेता है स्किल को एग्जीक्यूट करने। अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फुटबॉल की एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि एक बार ये कहीं बॉल पास करते हैं, उसके बाद अपोनेंट प्लेयर आ जाता है, वो बॉल ले सकता है या फिर वो किसी और को पास कर देता है। तो इसमें क्या होता है, ये ओपन स्किल होती है, हमें नहीं पता होता कि हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। बट क्लोज स्किल में क्या होता है, हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये गोल्फ खेल रहा है, बॉल यहाँ पे है, अब इसको बॉल को हिट करना है, तो ये अपनी परफॉर्मेंस में टाइम ले सकता है, इसको पता है मुझे कौन सी टेक्निक करनी है, इस बॉल को हिट करनी है, तो ये क्लोज। तो उसी तरह जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमें फ्री थ्रो जो है बास्केटबॉल में मिलती है, ये कब मिलती है? जब हम फाउल कर देते, जब फाउल करो तो हमें फ्री थ्रो मिला जाता है। तो फ्री थ्रो में हमें पता होता है कि हमने अपने प्लेयर्स हैं उनको बॉल पास करनी है, हम टाइम ले सकते हैं, हम टेक्निक अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्लोज स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी जोन फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ एन एथलीट। जो एक एथलीट होता है उसके लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसके लिए इंटेंसिटी जोन कितना रहता है? तो उसके लिए इंटेंसिटी जोन रहता है मीडियम, 70-80%। तो इसका आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द फैक्टर विच इज नॉट कंसाइडर्ड एज determining the endurance ability।
तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमने बताना है कि कौन सा फैक्टर कंसाइडर नहीं किया जाता है एंड्योरेंस एबिलिटी के लिए। तो यार ये याद रखना, जो बीच में नॉट लिखा होता है ना ये देख लेना, क्योंकि ये अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कौन सा कंसाइडर नहीं करते हैं हम एंड्योरेंस के लिए, तो एरोबिक कैपेसिटी तो एंड्योरेंस के लिए आएगी ही आएगी, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं आएगा। फॉक्सवैगन स्टोर भी आएगा, क्योंकि फॉक्सवैगन स्टोर जितना हमारा अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही हम एंड्योरेंस जो है हमारी ज्यादा रहेगी। टेक्निक परफेक्शन भी आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम टेक्निक एक अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा एफर्ट, हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है उस टेक्निक को परफॉर्म करने में। तो जब हम टेक्निक परफेक्शन के साथ करेंगे तो हमारा जो एफर्ट है वो कम लगेगा, वो टेक्निक अच्छे से परफॉर्म होगी, हम थकेंगे कम, तो इसीलिए ये भी हम ज्यादा देर तक फिर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये भी नहीं आएगा। तो इसमें आंसर जो है वो आएगा फोर्थ, टेक्टिकल एबिलिटी, क्योंकि टेक्टिकल एबिलिटी क्या होता है, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे हम क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जब भी कोई गेम खेल रहे हैं अपोनेंट कैसी गेम खेल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी गेम चेंज करते हैं, टेक्टिकल एबिलिटी जो है वो अपनी चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्टिकल। तो ये एंड्योरेंस में इसका कोई रोल नहीं है, तो इन्होंने यही पूछा है कि किसका रोल नहीं है, तो वो है टेक्टिकल एबिलिटी, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इफ इन अ लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। ये याद, किसमें पूछा है इन्होंने, लीग कम नॉकआउट में कितने मैचेस होंगे ऑफ 16 टीम्स विच इज इनिशियली प्लेड इन फोर ग्रुप्स, जो फोर ग्रुप्स में खेला जाएगा। टीम्स इन अ गिवन ग्रुप प्ले लीग मैचेस, टॉप टू टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाई फॉर नॉकआउट स्टेज, कितनी, टू टीम्स, एंड लूजिंग सेमी फाइनलिस्ट ऑल्सो प्ले टू डिसाइड फॉर थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। थर्ड एंड फोर्थ प्लेस के लिए भी एक मैच होगा। तो हमने बताना है कि 16 टीम्स हैं, तो टोटल कितने मैचेस हों, और जो हमारा फिक्स्चर बनेगा वो क्या है, लीग कम नॉकआउट, तो हमने बताना है कितने मैचेस होंगे। तो इसमें होंगे 32 मैचेस, वो कैसे होंगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसमें आप, ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप हिंदी में रीड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन, बाकी मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से हिंदी में कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, लीग कम नॉकआउट मैच जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमें फोर के साथ डिवाइड करना है। हमारे पास टीम्स कितनी थी, 16 टीम्स थी हमारे पास, और फोर ग्रुप्स, ठीक है, वहां क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फोर ग्रुप्स रहेंगे, तो इसलिए हम फोर को 16 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर, यानी कि फोर टीम्स हमारी एक ग्रुप में रहेंगी, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप, चार ग्रुप रहेंगे, जैसे कि इन्होंने बोला था चार ग्रुप रहेंगे। नेक्स्ट, अब चार ग्रुप रहेंगे, टोटल 6 टीम थी, तो पर ग्रुप फोर टीम्स रहेंगी, 1 to 4 टीम्स ग्रुप फर्स्ट में, 5 to 8 टीम्स ग्रुप सेकंड में, 9 to 12 थर्ड में, और 13 to 16 फोर्थ में। अब देखो इनके मैचेस कैसे होंगे, फर्स्ट मैच होगा 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 4। हमने जितने भी टीम्स हैं उन सभी के एक दूसरे के साथ मैचेस करवाने हैं, तो इसमें टोटल कितने मैच हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक ग्रुप में 6 मैच हो गए, इसमें भी 6, इसमें भी 6 मैच, इसमें भी 6 मैच, तो टोटल कितने हो गए, 6 मैचेस पर ग्रुप, एक ग्रुप में 6 मैचेस हैं, दैट इज 6 into 4, 4 क्यों, क्योंकि 4 ग्रुप हैं, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मैचेस आ गए, तो इसमें कितने आ गए, 24 मैचेस। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप के अच्छे प्लेयर्स हैं वो हम 2 निकाल देंगे। सपोज करो ग्रुप फर्स्ट में 1 जो है वो अच्छा प्लेयर है, और सेकंड नंबर पे 4th जो है वो अच्छा प्लेयर है, ग्रुप सेकंड के 7 और 8 अच्छे प्लेयर्स हैं, ग्रुप थर्ड के 9 और 11 अच्छे प्लेयर्स हैं, ग्रुप फोर्थ के 14 और 16 अच्छे प्लेयर्स हैं। अब इनके आपस में मैच कराने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप फर्स्ट का जो अच्छा प्लेयर है उसका ग्रुप सेकंड के सेकंड अच्छे प्लेयर से होगा, तो ऐसे ही ये मैचेस होंगे, 4 का 7 के साथ, 9 का 16 के साथ, और 11 का 14 के साथ।
तो ये कितने मैचेस हो गए टोटल? 4 मैचेस। पहले कितने थे? 24, अब ये 4 और एक्स्ट्रा हो गए। अब नेक्स्ट जो इनमें से जीतेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 और 8 का मैच हुआ है तो इनमें से 1 जीत गया है, 4 और 7 का मैच हुआ है तो इसमें से 7 जीत गया है, नेक्स्ट 9 और 16 का मैच हुआ है 9 जीत गया, 11 और 14 का मैच हुआ है 14 जीत गया। तो ये जो हमें जीते हुए प्लेयर्स हैं ये हमने ले लिए हैं। अब इन दोनों का मैच करवाएंगे और इन दोनों का मैच करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 और 7 में से 7 जीत गया है और 9 और 14 में से 9 जीत गया है, तो अब इन दोनों का सेमीफाइनल मैच होगा। इन दोनों में से जो विनर रहेगा वो है 7, तो ये किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट अब जो 9 है वो सेकंड पोजीशन में होगा, क्योंकि 7 अगर फर्स्ट पोजीशन में है तो 9 जो है वो सेकंड पोजीशन में रहेगा। 7 और 9 इन दोनों की पोजीशन पता चल गई है। अब 1 और 14 का मैच होगा ताकि हमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन भी पता चल जाए। तो अब देखो टोटल कितने मैचेस हुए, 24, 4 मैचेस, 3 मैचेस, 24 प्लस 4 प्लस 3 कितने हो गए? 31 मैचेस। एंड 1 मैच फॉर थर्ड पोजीशन, ये जो मैंने आपको लास्ट बताया 1 और 14 का मैच होगा थर्ड और फोर्थ पोजीशन जानने के लिए, तो प्लस 1 मैच जो है ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारे मैचेस कितने आ गए? 32। यही आंसर था इसका, 32। देन कंपटीशन में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, लाइक अब जो प्रतियोगिताएं हैं, जो भी कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताओं को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इन्होंने बोला है कि कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम कंपटीशन को। अब सबसे पहले देखो हम डेट से तो नहीं करते हैं कि कौन सी डेट को कंपटीशन है, इस डेट का कोई लेना देना नहीं है कंपटीशन की टाइप से, तो ई तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देन प्लेस, जगह, जगह के अकॉर्डिंग भी नहीं आएगा कि कौन सी जगह है तो इस टाइप का कंपटीशन है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ पे भी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, बी सी और डी। लेवल क्या है कंपटीशन का? इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है, उस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग मेथड कौन सा यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजों से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले देखना है कैंसिल कौन सा हो रहा है, तो फिर हमारा आंसर जो है वो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट, देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिजोसाइकल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन जनरल, लाइक अब इन्होंने बोला है कि काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, मिजोसाइकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो कौन कौन सी टाइप्स हैं हमने वो बतानी है। आमतौर पर खेलकूद परीक्षक में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के मिजोसाइकल प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे तो हमने बताना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। अब सबसे पहले देखो इंट्रोडक्टरी मिजोसाइकल, प्रिपेटरी मिजोसाइकल, तो प्रिपेटरी तो आएगा आपको पता है, क्योंकि प्रिपेटरी में क्या होता है, हमने 3 पढ़े थे, प्रिपेटरी, कंपटीशन और ट्रांजिशन, तो प्रिपेटरी तो आएगा, ठीक है, बी आएगा ही आएगा, तो इसमें बी नहीं है, कैंसल, इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी, हमारा यहीं से आंसर निकल गया, ए जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, यहीं से हमारा आंसर निकल गया। अब देखो प्री कंपटीशन भी आएगा, प्री कंपटीशन आएगा ना, क्योंकि कंपटीशन से पहले का जो फेज होता है उसको हम प्री कंपटीशन बोलते हैं। आफ्टर कंपटीशन नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर कंपटीशन वो ट्रांजिशन फेज होता है, इसको हम आफ्टर कंपटीशन नहीं बोल सकते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। देन प्री इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी जो है वो फर्स्ट फेज होता है, तो फर्स्ट फेज के पहले प्री इंट्रोडक्टरी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, जो फर्स्ट फेज के पहले कोई हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ए बी सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्रिपेटरी फेज जो प्रिपेटरी पीरियड फर्स्ट है, प्रिपेटरी पीरियड सेकंड है, प्रिपेटरी थर्ड है, इन्होंने प्रिपेटरी पीरियड को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और एक डी है कंपटीशन पीरियड। सबसे पहले देखो जो कंपटीशन एक्सरसाइज है वो प्रिपेटरी में तो आएंगी नहीं, या प्रिपेटरी थर्ड में आएगी या फिर कंपटीशन में आएगी, क्योंकि दो है ना कंपिटिटिव, तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो होगा ही नहीं, तो या तो थर्ड में होगा या फिर कंपटीशन में होगा। अब इसमें देखो ये है ट्रेनिंग फॉर्म्स ऑफ कंपिटिटिव एक्सरसाइजेस कोइंसाइड बट डिफरेंट मूवमेंट्स, इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, इसमें क्या है प्रॉपर कंपिटिटिव एक्सरसाइज होती हैं,
रियल कंडीशन होती है विद रूल्स, रूल्स भी होती हैं। तो ये सीधा सीधा हमारा आएगा कंपटीशन पीरियड, जिसमें रूल्स भी होती हैं प्रॉपर और प्रॉपर कंपिटिटिव एक्सरसाइज होती है। तो डी का आ जाएगा थर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन फोर्थ भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो दूसरा है, एक तो हमने कंपटीशन वाला लगा लिया, जो दूसरा कंपटीशन वाला है वो हमारा आ जाएगा प्रिपेटरी थर्ड के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आएगा नहीं कंपटीशन, तो इसलिए हम प्रिपेटरी थर्ड के साथ इसको लगा देंगे। सी का आ जाएगा हमारा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंसली अरेंज स्टार्ट टू कंपिलेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स इन ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंटल फेज ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स में तो क्या डेवलपमेंट फेज रहता है, ठीक है, स्टार्ट से लेके कंपिटिशन तक क्या डेवलपमेंट फेज रहता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है, मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है, टैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, मॉडल फॉर्म्स ऑफ कंपिटिटिव एक्सरसाइज। तो यार मैंने सारे रीड आउट किए हैं, सारों में से मुझे सबसे पहले पता है कि जब भी मैं किसी स्पोर्ट्स के लिए जा रही हूँ तो मेरी फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा क्या होता है, फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। तो डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, तो सभी में डी ऑप्शन सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी फिटनेस होगी तो हम सबसे पहले टेक्निक सीखते हैं कि हमें उसको परफॉर्म कैसे करना है, तो सेकंड नंबर पे आएगा ए, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब हम टेक्निक सीख जाएंगे उसके बाद क्या होगा, हमारी जो मॉडल फॉर्म है कंपिटिटिव एक्सरसाइज का वो हम रेडी करेंगे, प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का मॉडल स्वरूप, कि हमें किस तरह से कम्पिटिटिव में कम्पिटिटिव एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से कंपटीशन के लिए रेडी होना है, उसका हम एक मॉडल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, टैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट, टैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट करेंगे हम, और लास्ट में आएगा मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि कंपटीशन के टाइम कभी हमें एंग्जाइटी होती है, हम ज़्यादा डर के कारण खेल नहीं पाते हैं जो भी चीज़ें हमने सीखी होती हैं, तो ये जो मेंटल ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, ये हमें लास्ट में दी जाती है ड्यूरिंग कंपटीशन, ठीक है, ड्यूरिंग कंपटीशन नहीं मतलब कंपटीशन से पहले। तो ये हमारा जो है इन ऑप्शन में लास्ट में रहेगा, बी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अब इसमें क्या आएगा, हाइपोबैरिक एनवायरनमेंट, तो हाइपोबैरिक एनवायरनमेंट जो होता है वो सबसे पहले रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनवायरनमेंट से ही आप समझ सकते हो एनवायरनमेंट वर्ड यूज होता है, तो हाइपोबैरिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। तो एक आ जाएगा थर्ड, तो थर्ड कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होता है जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इम्पेयर्ड ऑक्सीजन अपटेक। तो इम्पेयर्ड वर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एज अ डिसेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है ज्यादा, कि इम्पेयर्ड ऑक्सीजन अपटेक है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो इसमें इसके कारण क्या होता है कि जो हम पल्मोनरी वेंटिलेशन है हमारी, जो हमारी इनहेल एक्सहेल है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो बी का आ जाएगा फोर्थ, बी का फोर्थ आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, आंसर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बी का आ जाएगा हमारा फोर्थ, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट है सी, पार्शियल प्रेशर रिडक्शन, जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, ये होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब जो एबनॉर्मल है, ठीक है, इम्पेयर्ड मैंने आपको बताया ना डिसेबिलिटी, या फिर जो एबनॉर्मल गैस एक्सचेंज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये एबनॉर्मल चीज है, तो इसीलिए सी का आ जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो अपने आप हमें मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, तो ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।